गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इसमें हम वर्कबुक का चैप्टर नंबर 24 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में इसको हाफ फिल कर लिया था, तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पे क्यूमेन होना तो मैंने क्यूबेन लिख दिया है, तो ये क्यूमेन कर लीजिए। इसको क्यूमेन सीड होते हैं, क्यूमिन सीड आर इज टू टेम्पर बघार कर वो, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोव, कार्डमम, ये ऑल दिस आप इसको फिल कर लीजिए। ये फिर आप अपने राइट रूम देखिए, पहला स्पाइस मेक वेजिटेबल्स एंड फूड टेस्टी, ये सही है। व्हेन साल्ट एंड रेड चिली एडेड टू पाउडर और एडेड टू बटर मिल्क मेक बिकम टेस्टी, यस ये सही है। व्हेन साल्ट एंड रेड चिली पाउडर आर एडेड टू बटर मिल्क इट बिकम टेस्टी, ट्रू है। टर्मरिक नॉट एडेड व्हाइल कुकिंग वेजिटेबल, फॉल्स है। प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ वेरियस स्पाइस मेक अवर फूड हेल्थियर बॉडी, यस सही है। हमें एक प्रॉपर अमाउंट में स्पाइसेस वगैरह लेने चाहिए। फनल सीड आर यूज्ड एज अ मॉस्क फ्रेशनर, ये भी सही है। व्हेन कोरिएंडर इज स्प्रिंकल्ड ओवर कुक्ड वेजिटेबल इट्स टेस्ट इज एनहेंस्ड, उसका टेस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। स्पाइसेस लाइक कार्डमम एंड क्लोव्स आर मोर यूजफुल ड्यूरिंग समर, ए ट्रू है, नहीं फॉल्स है। अब ये जो मैचिंग है बेस्ड ऑन कलर है, जैसे फनल सीड ग्रीन इन कलर होते हैं, टर्मरिक येलो इन कलर होती है, चिली पाउडर रेड इन चिली रेड इन कलर होते हैं, और पेपर ब्लैक इन कलर होते हैं, ठीक है। ये स्पाइसी रिडल्स थी जो हमने कंप्लीट कर ली थी। जैसे पहले का तो रेड चिली पाउडर है, ओके रेड चिली पाउडर। दूसरे का था टर्मरिक, दूसरे का क्या है टर्मरिक। तीसरे का ब्लैक पेपर, चौथे का क्यूमन सीड, पांचवे का फेनल सीड, सिक्स्थ वाले का क्लोव, सेवन्थ वाले का गार्लिक एंड एट्थ वाले का कोरिएंडर, ओके। फिर इसके बाद मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, आपको ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये अलग अलग स्पाइसेस को हमें फाइंड आउट करना था। देखो जैसे बे लीफ हो गई, ओके कोरिएंडर हो गया, रेड चिली पाउडर हो गया आपका, पीपर हो गया, फेनल सीड हो गया आपका, सिनेमम हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो जाएगा आपका, टर्मरिक हो गया, क्लोव हो जाएगा आपका, तो बहुत सारे हैं इसमें जो आपको मिल जाएंगे। क्यूमिन सीड हो जाएंगे आपका, तो बहुत सारे हैं जो आपको मिल सकते हैं इसमें। देखिए अब हमें लिखना है, यहां से हम करेंगे स्टार्टिंग। टर्मरिक, राइट द यूजेस ऑफ वेरियस स्पाइसेस गिवन बिलो। इट इज यूज्ड टू हील from burns, जो आपको चोट लग जाती है, burns वगैरह या injury वगैरह हो जाती है, इसको हम लिखेंगे। इसमें हम use करते हैं, ठीक है।
एक एक ही यूज लिखेंगे हम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा वो यूज लिखेंगे हम उसका। अजवाइन, इट इज यूज टू गेट रिड ऑफ स्टोमक पेन, पेट दर्द होता है उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। इसको आप नमक के साथ मिलाकर खा लीजिए तो आपका जो स्टोमक पेन है उससे रिलीफ मिल जाएगा आपको। ये होता है एसोफिटिडा, जिसको हींग कहते हैं हिंदी में हींग। इट इज गुड फॉर डाइजेशन, आप सब्जी वगैरह में इसको ऐड कर दीजिए तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है अजवाइन जो होती है, सॉरी हींग। फेनुग्रीक, इट इज यूज्ड एज फूड टू गेट फाइबर्स, इससे क्या मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, FIVRES, क्या मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं। क्लोव, क्लोव क्या होता है, इट इज यूज टू गेट रिड ऑफ टीथ प्रॉब्लम्स, जो टीथ होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके वो गम से ब्लीडिंग हो रही हो या पेन हो रहा हो, उनसे आप इसमें इसको आप ले लीजिए तो आपको आराम मिल जाता है। कार्डमम, इट इज यूज्ड फॉर एडिंग एरोमा इन फूड्स, फूड्स में एरोमा ऐड करने के लिए ये होती है, ठीक है। फेनल सीड, ये तो पता ही, माउथ फ्रेशनर की तरह यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर, किसकी तरह यूज करते हैं, माउथ फ्रेशनर की तरह यूज करते हैं इसको, ठीक है। कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर, इट इज यूज्ड अलोंग अलोंग विथ कर्ड एंड जलजीरा, जलजीरा और क्यूम उसका यूज किया जाते हैं, ठीक है। विच स्पाइसेस आर यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग, मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनानी है तो आप लिख दीजिए कोरिएंडर, रेड चिलीज, टर्मरिक,
रेड चिली टर्मरिक क्यूमिन सीड टर्मरिक क्यूमिन सीड फेनल सीड एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। ठीक है, नेम वन स्पाइस विच इज पुट इन टू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। ऐसा एक स्पाइसेस का नाम बताना है जिसको आप किसमें यूज कर सकते हो, स्वीट और सॉल्टी थिंग्स दोनों में यूज करते हैं, तो वह है आपका कार्डमम। जो कार्डमम होता है इसका हम दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कार्डमम यूज इन बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स, इनमें यूज किया जाता है इसको। What is put into food to make it taste sour? Write its name. तो उसको या तो हम कर्ड का यूज़ करते हैं या हम टर्माइन का यूज़ करते हैं, टर्माइड। We can use टर्माइड and कर्ड फॉर मेक फूड सोर, इसको बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। विच स्पाइसेस गेट रिड ऑफ स्टिकनेस एंड कफ फ्रॉम अवर बॉडी। देखो तीन चीजें यूज करते हैं हम, तुलसी तुलसी जिंजर एंड क्लोव आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ कफ। ठीक है, गेट रिड ऑफ कफ, इनका हम यूज करते हैं। वी मेक स्मॉल टैबलेट ऑफ विच स्पाइसेस मिक्स्ड विद घी एंड जैगरी टू ईट ड्यूरिंग विंटर सीजन। वी मिक्स जिंजर एंड क्लोव विथ घी एंड जैगरी टू ईट ड्यूरिंग विंटर सीजन। वाई आर वेरियस स्पाइसेस यूज टू वाइल कुकिंग फूड। भी हम क्यों यूज करते हैं बहुत सारे जो जो क्या कहते हैं स्पाइसेस भी यूज वेरियस
स्पाइसेस, यूज वेरियस स्पाइसेस व्हाइल कुकिंग. कुकिंग फूड बिकॉज इट एड टेस्ट एंड एरोमा. एरोमा खुशबू होती है. एरोमा इन फूड, एरोमा एंड टेस्ट बढ़ा देते हैं उसका फूड का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. When your grandparents were young, which spices were used most in their kitchen? Find out from them and write there. तो कौन से स्पाइसेस यूज किए जाते थे वो हमें लिखना है. In their times, turmeric, कोरिएंडर. इन देयर टाइम टर्मेरिक कोरिएंडर क्यूमिन सीड क्यूमिन सीड हो गया आपका. जिंजर, गार्लिक, क्लोव आर मोस्टली यूज्ड इन इनटू किचन. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट, हाउ डू स्पाइसेस स्पाइस लेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग फील ऑन अवर टेबल. स्पाइस लेस थिंग्स फील टेस्ट less and very spicy things feel pungent in taste. PUNGENT पंजेंट ये वाला टेस्ट लगता है. ठीक है, अब एक्टिविटी है जिसको हम करते हैं. ब्रिंग सम होल स्पाइसेस टू क्लास, राइट देयर नेम्स इन द टेबल, चूज योर आइस एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज ईच स्पाइस. पर ये है जैसे रेड चिली है, स्मेल कैसी होगी? पंजेंट. ओके, टच कैसा होगा? स्मूथ. जिंजर, तो इन सब की अलग अलग होती है. ये तो ठीक है, आप कर लेना अपनी तरफ से. चना चाट कैसे बनाते हैं वो आपको लिखना है. तो मेथड ऑफ मेकिंग चना चाट स्टेप बाय स्टेप करके लिख दीजिए. पहले भिगो
चनों को भिगो दीजिए, फिर आप क्या करिए उनको बॉईल कर लीजिए, फिर उसमें मसाले ऐड कर लीजिए, लाइक दैट ये आप कर सकते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट एट इंडेक्स लेटर अल्फाबेट इन द वेरियस स्पाइसेस डज इंक्रीज द टेस्ट एंड एरोमा ऑफ फूड। तो इसका हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस आर एडेड टू लड्डूज, लड्डूज में कौन सा स्पाइसेस, तो मस्टर्ड, फेनुग्रीक, सिनेमन, क्लोव्स, कार्डमम और नटमैग। डी वाला आंसर आ जाएगा इसमें, इसको हम मिलाते हैं। व्हाट इज एडेड व्हाइल टेम्परिंग दाल टू एनहेंस इट टेस्ट एंड एरोमा, अजवाइन, करी लीव्स, कोरिएंडर, रेड चिली। तो करी लीव्स मिलाई जाती हैं, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इन दिस वे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया वर्कबुक का, लास्ट चैप्टर रह गया उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके, अच्छे से पढ़िए, रीड करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।